उधर इज़राइल लेबनान बॉर्डर पर बने गैलिली मेडिकल सेंटर को इमरजेंसी वार्ड को एक शेल्टर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया पहला चैनल है जो उस अस्पताल तक पहुंच गया है। इज़राइल हर तरफ से विवादित बॉर्डर से घिरा हुआ है और इस वक्त हम लोग एक ऐसे बॉर्डर पे हैं जहां इस वक्त झड़प चल रही है और कभी भी बड़े युद्ध की शक्ल ले सकती है। ये देखिए गैलिली मेडिकल सेंटर है, नहारिया शहर में है। नहारिया शहर में ये बड़ा मेडिकल अस्पताल है और उसके इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है। यहाँ लाने का मकसद ये है कि ये सबसे बड़ा अस्पताल है जो इज़राइल के किसी भी बॉर्डर से, कई दुश्मन देश हैं इज़राइल के, कई देशों से इज़राइल की लड़ाई है हर बॉर्डर पे, लेकिन ये सबसे करीब का अस्पताल है। 10 किलोमीटर से कम के अंदर में ये अस्पताल है। यहाँ से लेबनान बॉर्डर दिखता है और ये इमरजेंसी वार्ड, आपको बता दे ये इमरजेंसी वार्ड है और ये जो इलाका है इमरजेंसी वार्ड में, अगर बॉम्बिंग भी हो, मिसाइल भी दागे जाए तो यहाँ का जो कामकाज है वो ठप नहीं होगा। ये जो देखिए बहुत मजबूती से इन दीवारों को खास तरीके से बनाया गया और इसका मकसद ये है, ये बुलेट प्रूफ कांच है, ये बुलेट प्रूफ कांच है, ये दिखा दे। यहाँ बॉम्ब स्प्लिंटर जो रॉकेट से निकलते तो उनका असर नहीं होगा। किस तरह से ये बनाए गए हैं आपको अंदाजा लग सकता है और इसी तरह से हॉस्पिटल को तैयार किया गया। 2006 में जब इज़राइल और लेबनान की वॉर छिड़ी थी तब भी इस हॉस्पिटल की मजबूती इतनी थी कि यहाँ कोई असर नहीं हुआ था, जबकि एक जो हमला किया गया था हिजबुल्ला की तरफ से वो यहाँ तक पहुँचा था अस्पताल के ऊपरी माले पे। लेकिन ये इमरजेंसी वार्ड है, युद्ध अगर बहुत आगे भी बढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देख सकते बहुत मजबूती से इन जगहों को बनाया गया है। ये पूरा जो इमरजेंसी वार्ड है यहाँ बॉम्ब रॉकेट का असर नहीं होगा। आप देख सकते हैं इनकी इसकी मजबूती, गेट ये स्टील, ये देखिए इसकी मजबूती, जिस तरह से शेल्टर होते हैं दक्षिणी इसराइल में उस तरह के शेल्टर की तरह ये पूरा अस्पताल है। बॉम्बिंग होते रहे कोई असर नहीं होने वाला।